सो कैसे आप सब जन तो बेसिकली आई नो आई अक्टिव अगेन और आज कोई एक्सक्यूजेस नहीं देंगे आज कुछ मतलब मैंने सोचा कुछ नया शुरुआत करते हैं तो इससे पहले आप सभी को बताना जरूरी है कि पिछले कौन से रीजन्स थे जिन लोगों के मतलब जिन रीजन्स के लिए लोगों के बोल बोर्ड और जिन रीजन्स के लिए ऐसा कुछ हुआ था मेरे लाइफ में सो बेसिकली स्टार्ट शुरुआत कुछ नया करने से पहले पहले वाले जो भी चीजें हुए थे उनके आ, बारे में कुछ क्लरिफिकेशन आप सभी को देना मैं ज़रूरी समझता हूँ इसलिए आज मैंने सोचा कि बता देते हैं एंड बेसिकली दिस वीडियो इज़ नॉट गना बी सो लॉन्ग सो ये एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें मैं इजीली सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा तो बेसिकली फर्स्ट वॉल यू नो दैट फर्स्ट थिंग एक हुआ था कि कोरोना uh, आ गया था ठीक है कोरोना आ गया था जिसके लिए लॉकडाउन लग गया था तो उस टाइम बहुत मेरा आई भी खराब हो गया था फर्स्ट वन जो मैंने पहले परचेज़ किया था तो तब तो मेरे लिए बहुत टाइफ टफ टाइम था शुरुआत हुआ था तब से ये था फर्स्ट वाला फेज मेरे लाइफ का जो मेरे लिए टफ टाइम था सो so, इसके बाद हुआ कोरोना तो हो गया इसके बाद आई भी ख़राब हो गया देन सेकेंड थिंग लॉकडाउन के बाद इसके बाद यू नो दैट कोरोना के बीच में माई फादर पासड हुए सो आई हैव टोल्ड यू टोल्ड यू एवरी थिंग अबाउट दैट सो ये था और एक चीज़ और इसके बाद uh, एक बिलीव था मेरे अंदर कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए बट वन थिंग आई हैव दैट विल नॉट लेट मी डाउन बट दैट ऑल्सो हैपेंड सो दैट 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 मेक्स मी दैट मेड मी लाइक

देन uh, हो गया था पबजी बैन सो so, ये और एक चीज़ था और ये सबसे फास्ट एंड फाइनल फेज था मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट किया था मेरे को क्योंकि पबजी बैन हो गया था एज यू वेज ऑल नो दैट मेरा चैनल जो था ना वो गेमिंग के रिलेटेड था और बेसिकली कौन सा गेम पबजी क्योंकि पबजी तब ग्रो पे था और मैंने भी स्टार्ट उसी से किया था फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्टिंग पे पैसे के लिए नहीं स्टार्ट किया था बस मैंने uh, सोचा कि करना चाहिए सो आई डीड इट एंड वो बहुत काम की चीज निकली बहुत अच्छा किया मैंने परफॉर्म माई चैनल बेटर परफॉर्म परफॉर्मेंस सो इसके बाद हुआ क्या कि तब तो मेरा पबजी का चैनल था तो बेसिकली पबजी हो गया बैन तो कौन सा गेम खेले कुछ और खेलने का मन नहीं कर रहा था और उसी दौरान बहुत सारे लोगों को भी ऐसा हुआ था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी छूट गए थे पबजी से जो फ्रेंड मेरे बने थे पबजी से वो भी छूट गया था क्योंकि उन लोगों ने शायद से एक साल हो गया था या फिर एक साल के करीबन हो गया था पबजी बैन था फिर आया बीजेम तो पबजी मेरा पहला प्यार था गेम के बारे में तो पबजी में स्टिक रहना चाहता था मैं बट इसके बाद ये सब हुआ पबजी बैन हो गया और फिर से अभी सुन रहा हूँ कि पबजी बैन हो गया मतलब बीजे मई बैन हो गया है और भाई अभी तो कुछ और भी सीन्स हो रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का मैं दो तीन मतलब कुछ न्यार नियरेस्ट कुछ यूट्यूबर थे जिनका हुआ है ऐसा जैसे कि फ्यूचर गेमिंग उन, उन्होंने भी शायद से आज से दो साल पहले उन्होंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था इसके बाद उन्होंने भी यूट्यूब छोड़ दिया अभी तक उनके चैनल पर कोई नया वीडियो नहीं है उनका भी दो लाख से ऊपर आई गेस सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स थे और साथ ही में और एक और एक हादसा हो रहा है कि जिन लोगों का पबजी का चैनल था ना उन उनपे स्ट्राइक्स आ रहे हैं और उनका चैनल टर्मिनेट हो रहा है जैसे कि रिसेंटली शायद से तीन चार महीने पहले आर डी एस गेमिंग करके एक भाई थे उनका भी लाख लाखों से ऊपर सब्सक्राइबर है उनका भी चैनल बैन हो गया टर्मिनेट हो गया टेंशन ने उन पर कॉपी राइट स्ट्राइक दे दिया था अभी मैं आई एम फ्रेड अबाउट माई चैनल कि इस पर भी टेंसन कॉपी राइट स्ट्राइक ना दे दे सो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि आई एम थिंकिंग कि मैं जितने भी वीडियोस हैं जो मतलब पता नहीं किस पे स्ट्राइक दे दे ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे वीडियोज को मैं वेनिश कर दू चैनल से अभी नहीं धीरे धीरे थोड़ा वेनिश कर देंगे पर ये तो है ये तो आ, हो रहा है ना कि ऐसा मतलब टर्मिनेट हो रहा है चैनल टेंशन टेंशन की तरफ से आ रहे हैं आ, स्ट्राइक्स सो आई एम वरीड अबाउट माय चैनल सो देखते हैं एंड देखते क्या होता है बट यही मेन चीज़ कुछ नया शुरुआत करने से पहले पुराने वाले जो भी हाथ से उनको बताना जरूरी है क्योंकि यू आर माई फैमिली एंड आई डू केयर अबाउट यू तो वही देखते क्या होता है एंड आई थॉट कि ये सब क्लारीफिकेशन देना जरूरी है नया कुछ शुरुआत करने से पहले सो देखते हैं So basically at the end I just wanna tell you that if you are thinking that Nitro is going to quit YouTube that then that is not true cause I'm not gonna quit cause I have already told you that YouTube is not my profession, it's just a passion. So I will follow my passion. I won't let it down by anyhow. So that doesn't make sense that I'm gonna quit. Yeah I'm a little bit inactive these days, but that doesn't mean that I will not be I won't be able to active in the near future. So that is the main thing. So, Tata and bye.